Hello dear student, this will be our lecture number 6 on P block Lehmann. In today's lecture, I will discuss about phosphorus. जैसे मैंने तुम लोगों को dinitrogen पढ़ाया था, like that, in today's lecture, I will mainly concentrate on phosphorus and its various type of allotropes. ठीक है? तो a lot to know, a lot to discuss. Before I begin, I have to say something. Please take a pen and paper and try to make note from this video. Okay, and then take a snapshot and send it to me. If any doubt, don't hesitate to share me. Okay. Okay, what is phosphorus? The symbol of phosphorus is P. Okay, and remember, phosphorus is a tetraatomic element. जैसे nitrogen, dinitrogen होता है, तो phosphorus कितना होगा? P4 होगा. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर सबको पता है, इट इज एटॉमिक नंबर इज 15 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 30.97 मीटर. यू कैन से कंसीडर इट एज 31. ओके, एंड व्हाट वाज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ठीक है, और इसको तुम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हो, नियॉन 3s2, 3p3. ठीक है, तो हाउ मेनी शेल इज देयर? नंबर ऑफ शेल देखो, इलेक्ट्रॉन्स पर शेल, कितना शेल है? 1, मतलब ये 1, मतलब इसका 1 शेल है. इसमें कितना है? 2 और 2 और 2, इसमें कितना है? 2 + 6, मतलब 8. और इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 5. ठीक है, तो व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यू कैन राइट इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का कितना होगा? 5. ऑब्वियसली इट इज इन ग्रुप 15, तो डेफिनेटली इट विल हैव ओनली 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, एंड नाउ विल चेक व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन के नीचे है. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3 होता है, तो इट विल बी लेस देन नाइट्रोजन. इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.19. ठीक है, ये वैल्यू तुम लोगों को याद नहीं रखना है, बट यू कैन take an idea from this. Okay, and very interestingly, इसका जो isotopes है ये बहुत ही मजेदार है, क्योंकि normally phosphorus के पास 23 isotopes है. How many isotopes? Isotopes 23 isotopes. It has how many isotopes? 23 isotopes. लेकिन only जो P31 होगा ना, it is stable, it is only stable. लेकिन phosphorus के पास P25 से लेकर P47 तक isotope होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ का only जो P31, जो जिसका atomic mass 31, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ये वाला क्या होगा? stable होगा, बाकी सब unstable. और इसके अलावा भी phosphorus का और दो, मतलब थोड़ा stable, इससे थोड़ा मतलब comparatively little stable, that toward P32 and P33. और ये P32 जो isotope है, इसको biology में मतलब bacteriophage में use किया जाता है. I think genetics जिसने पढ़ा होगा biology, जिसके पास है medical वालों neat aspirant, उन लोग को पता होगा जो phosphorus कहाँ पे use किया जाता है. ठीक है, तो दिस वेयर ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट फॉस्फोरस. याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंटली तुम लोगों को क्या याद रखना है? फॉस्फोरस इज P4. ठीक है, विल से व्हाई दिस फॉस्फोरस इज इंपॉर्टेंट. हम लोगों को फॉस्फोरस के बारे में क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है ये फॉस्फोरस के बारे में जानना या सीखना? ठीक है, तो तुम लोगों को पता है हम वी आर ह्यूमन बींग. ठीक है, एंड
आवर बॉडी इज फुल ऑफ सम बोन्स एंड टीथ. हम लोग बॉडी में क्या है, बोन्स है एंड टीथ है. तो तुम लोग लिख सकते हो द मेन फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इज इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ. ठीक है, हम लोगों का बॉडी का बोन्स फॉर्मेशन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है. ठीक है, और इसके अलावा भी हम लोगों का बॉडी में और भी बहुत सारा इंटरनल फंक्शन जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक दैट. तो लिखो इट प्लेस एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ द बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ओके, एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर द बॉडी टू मेक प्रोटीन फॉर द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेल एंड टिश्यू. ठीक है, समझ आया होगा. हम लोग का बॉडी में जितना सेल्स और टिश्यूज है, इंटरनल टिश्यूज, उन लोगों को मतलब फिर से रीजेनरेट रीजुपिनेट करने के लिए वी नीड व्हाट, प्रोटीन. एंड दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन नाइट्रोजन के साथ हम लोगों को फॉस्फोरस भी चाहिए होगा. ठीक है, इसके ये था क्या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी. ठीक है, इसलिए हम लोगों को फॉस्फोरस को जानना है. लेकिन अगर तुम फॉस्फोरस के बारे में जब पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव कंपोनेंट. ठीक है, तो इसी तरह जितना भी जैसे मैचेस है, मतलब लाइटर्स है, ये सब में भी फॉस्फोरस यूज किया जाता है. ठीक है, तो दिस वेयर ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉस्फोरस. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर विद द टर्म्स एलोट्रॉप्स. ठीक है, तो नाउ वी विल से हाउ मेनी एलोट्रॉप फॉस्फोरस हैव. जेनरली फॉस्फोरस हैव मेनी एलोट्रॉप्स. ठीक है, लेकिन उसके जितना भी एलोट्रॉप है उसमें ओनली 3 एलोट्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी स्टेबल. ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलोट्रॉप्स आर नॉट सो स्टेबल. जैसे कार्बन का कितना फुल एलोट्रॉप्स था, कार्बन का भी 3 एलोट्रॉप्स था. क्या क्या था कार्बन का, ग्रेफाइट था, फुलेरिन था, उसके बाद क्या था, डायमंड था. ठीक है, उसी तरह फॉस्फोरस का भी बहुत सारा एलोट्रॉप्स है और इसमें ओनली 3 एलोट्रॉप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज व्हाइट फॉस्फोरस. सेकेंड वन इज रेड फॉस्फोरस. एंड थर्ड वन इज ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है, और भी बहुत सारा है लेकिन हम लोगों को ये तीनों के बारे में ही जानना है. एंड इन योर सिलेबस दिस 3 इज ओनली इंक्लूडेड. समटाइम दिस रेड फॉस्फोरस ऑल्सो नोन एज येलो फॉस्फोरस. ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट फॉस्फोरस येलो फॉस्फोरस में भी मतलब फेमस है, क्योंकि जब कभी कभी ये व्हाइट टर्न्स इनटू येलो. ठीक है, देयरफॉर डोंट बी कंफ्यूज. मैक्सिमम केस यू विल गेट इट एज व्हाइट फॉस्फोरस नॉट एज येलो फॉस्फोरस, बट यू हैव टू रिमेम्बर व्हाइट रेड एंड ब्लैक. ठीक है, तीन ही कलर का नाम है, इजीली याद रहेगा. ठीक है, अभी हम लोग ये तीनों फॉस्फोरस को एलोट्रॉप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस.
ठीक है। देखो इसका नाम क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस है। ऑब्वियसली इसका व्हाइट तो ऐसे ही नहीं रहा होगा, ऑब्वियसली इसका कलर क्या व्हाइट होना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन राइट इज, इट इज ए ट्रांसलुकेंट व्हाइट वैक्सी सोलिड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेम्बर फॉस्फोरस इज ए सोलिड। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट एलोट्रॉप डेट इज व्हाट, व्हाइट फॉस्फोरस, इट इज ए वैक्सी सोलिड। और उसका कलर कैसा है, व्हाइट है। एंड कैसा है, कैसा सोलिड है, ट्रांसलुकेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलुकेंट, लेट मी नो। ठीक है, बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो व्हाट इज ट्रांसलुकेंट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज ए पॉइजनस सोलिड, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, तो यू कैन नॉट टेस्ट इट, अगर तुमने इसको टेस्ट करने चाहा देन यू विल ऑब्वियसली व्हाट, इट विल हार्म यू, इट मे इवन कॉज डेथ टू एनी पर्सन। ठीक है, इसलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। देखो फॉस्फोरस मैंने क्या बोला था, फॉस्फोरस के पास कितना P4 टाइप का होता है, 1, 2, 3 ऐसा चार फॉस्फोरस क्या होगा, कुबेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज दिस बॉन्ड, कुबेलेंट बॉन्ड। नीट में क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट नीट और जेई में, जो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दिस फॉस्फोरस। देखो ये जो फॉस्फोरस है दे विल बी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, ये लोग क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इस फॉस्फोरस इज कनेक्टेड विद अदर 3 फॉस्फोरस। देखो ये इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ऐसे करके चारों फॉस्फोरस रेस्ट ऑफ द 3 फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है। और इन लोगों का बीच में जो ए एंगल होगा, दिस एंगल इज ओनली 60 डिग्री। मतलब ये इसका जो बैंड होगा ना, ये इट इज मतलब ये बहुत स्ट्रेन में रहेगा, मतलब बहुत प्रेशर में रहेगा, देयरफॉर ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। व्हाई इट इज वेरी अनस्टेबल, बिकॉज ऑफ दिस एंगल स्ट्रेन। मैं लिख के भी दूंगा, बस तुमको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, व्हाइट फॉस्फोरस। इसको ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलता है डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल। ठीक है, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सिनेरली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, यू नीड टू रिमेम्बर व्हाइट फॉस्फोरस इज डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, तो लिखो इसका और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए ये एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज, मैंने क्या बोला, व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी व्हाट, रिएक्टिव। इसके लिए व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग पानी में डिजॉल्व करके रख सकते हैं, मतलब पानी के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ये पानी में सोल्यूबल भी नहीं होगा और ये एयर कंटेक्ट में भी नहीं आएगा, तब इसका कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। बट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, व्हाट इज CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, बट नॉट सोल्यूबल इन वाटर। और इसका और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको तुम लोग स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है वे, ग्लोस इन डार्क। मतलब तुम व्हाइट फॉस्फोरस को अंधेरा में भी रख दो, इट विल ग्लो, इट विल शाइन। ओके, ड्यू टू रिएक्ट, मतलब ये किसी और के साथ रिएक्ट करके कुछ फॉर्म करेगा, उसके लिए इसका जो इल्यूमिनेंस इट विल इंक्रीज। सो यही ग्लो इन डार्क, इसका जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को एक वेरी इंटरेस्टिंग नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, यू मे आस्क व्हाट इज केमिल्यूमिनेंस, फॉस्फोरस कैन ग्लो इन डार्क एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेंस। लिटिल एगो आई हैव टोल्ड यू व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल
और सिंपली यू कैन से इट इज मोर रिएक्टिव. व्हाई, ये क्यों है? ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम्हें कोई पूछे, मैंने यहाँ पे दिखाया भी था से व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है, ऐसा टाइप का, मतलब चार फॉस्फोरस ऐसा करके टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा और इस फॉस्फोरस विल बी कनेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. और इन लोगों को बीच में जो एंगल स्ट्रेन होगा ये 60 डिग्री है, मतलब ये बहुत ही प्रेशर में रहता है. इसलिए कोई भी पर्सन कोई भी चीज प्रेशर में रहने नहीं चाहेगा. ठीक है, इसलिए देर विल ट्राई टू ब्रेक दिस बॉन्ड. ठीक है, सो दिस इज वेरी अनस्टेबल. तो इसको लिख सकते हो ऐसे करके, व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन द अदर सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशन बिकॉज ऑफ द एंगुलर स्ट्रेन इन द P4 मॉलिक्यूल वेयर द एंगल्स आर ओनली 60 डिग्री. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम और मे बी इट मे आस्क इन योर एंट्रेंस एग्जाम एज ए एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन. क्या होगा एसर्शन में, जे व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव. और इसका रीजन में रहेगा कि इन लोगों का बीच में जो एंगुलर स्ट्रेन वो बहुत ही ज्यादा रहता है और ये एंगल ओनली 60 डिग्री है. तो ऑब्वियसली येस बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड दैट इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन. अगर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा देन यू विल डेफिनेटली गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, देखो एनसीईआरटी बेस्ट है ये और डायरेक्ट एनसीईआरटी से कैसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, देयरफॉर यू विल हैव टू बी प्रिपेयर. ठीक है, और जो लोग प्रिपेयर रहता है उन लोगों का लाइफ में क्या रिस्क बहुत कम, मतलब दे गेट द एडवांटेज ऑफ एवरी टाइप ऑफ सिचुएशंस. ठीक है, नाउ विल से रिएक्टिविटी. देखो रिएक्टिविटी विथ बेस, मतलब रिएक्शन विथ बेस. देखो हाउ व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विथ बेस, इट डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमोस्फेयर गिविंग फॉस्फिन. मतलब देखो मेनली क्या कंसिडर करना है, तुम कोई भी एक व्हाइट फॉस्फोरस ले लो और अगर इसको तुम NaOH सॉल्यूशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे, ओके यू विल गेट फॉस्फिन एज द मेन प्रोडक्ट. यू नो इट वेरी वेल, मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्ट पहला लेक्चर में PH3 इज कॉल्ड फॉस्फिन, इट इज ए हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15. ठीक है, और इसके अलावा भी इसमें तुम्हें और भी एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज NH2PO2 एंड दिस इज नोन एज, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. ठीक है, मैंने कल भी बोला था व्हाइट इज कॉल्ड हाइपो. क्यों बोलेगा हाइपो, जब भी देखो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना है -2, तो 2 है 4 हो गया
और यहाँ पे तीन ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, हाइपो है, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन में, जैसे इन लोगों को हाइपोफॉस्फोरस एसिड जैसे बोला था कल, हाइपोनाइट्रस एसिड लाइक दैट, दिस इज व्हाट हाइपो फॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, जैसे सोडियम बाई सल्फेट होता है लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो क्या याद रखना है, व्हेन वी विल हीट व्हाइट फॉस्फरस विथ बेस इट विल फॉर्म फॉस्फिन, ओके, दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली आस्क्ड, ओके, इन जेई एग्जाम, यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एज आई मेंशन अर्लियर, व्हाइट फॉस्फरस इज वेरी मच रिएक्टिव, सो वी नीड टू कीप इट अंडर वाटर, ठीक है। अगर वेट कंडीशन में भी, मतलब इट इज ए क्लाउडी और रेनी वेदर, उसमें भी तुम व्हाइट फॉस्फरस को रख दोगे, इन दैट कंडीशन व्हाइट फॉस्फरस विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एंड इट विल फॉर्म P4O6। इन व्हाट कंडीशन, इन वेट कंडीशन, ठीक है, वेट कंडीशन में ये क्या फॉर्म करेगा, P4O6, ठीक है, एंड इट फॉर्म ए, मतलब अंधेरा में भी, मतलब ये व्हाइट कंडीशन में भी ये इट विल फॉर्म ए ग्रीन व्हाइट, एक मतलब जैसे तुम लोग कोई भी मतलब सिंगर आता है तो वहाँ पे स्टेज में क्या हो, धुआं जो देता है ना, व्हाइट ब्लैक ऐसा करके, यू विल गेट दैट टाइप ऑफ, मतलब ए वन कंडीशन, ओके, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, एंड दी दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड, इज वेरी फेमस, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तो टेक इट एज ए होमवर्क, व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, क्या रहेगा, यू विल हैव टू डू दिस एज ए होमवर्क, ठीक है। तो दिस वेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ वेट कंडीशन में, अगर नॉर्मल कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसमें बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन रहता है तो डेट कंडीशन में दिस फॉस्फोरस विल फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, ठीक है, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, पेंटाऑक्साइड, दिस इज वेरी फेमस, ठीक है। तो सबको पता होगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो मैं दिखा देता हूँ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कैसा होगा। तो एकदम वेरी इजी, क्या करो, चार फॉस्फोरस ले लो, एक दो तीन और चार ले लिया, और सबके अंदर में क्या दो, एक एक ऑक्सीजन दे दो, एक दो तीन, एक दो तीन, ये कितना हो गया, चार हो गया ना, तो इन दोनों के बीच में नहीं है, तो इन दोनों के बीच में दो, एक कितना हो गया, पास, और इन दोनों के बीच में एक दे दो, कितना हो गया, से, और फॉस्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, फाइव, तो वन टू थ्री, थ्री तो यूज हो गया, तो और भी दो ए ऑक्सीजन के साथ ले लेगा, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द स्ट्रक्चर, नाउ यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और कितना फॉस्फरस, 1, 2, 3, 4, दिस इज व्हाट P4O10, फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अगर ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने देगा तो ये कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो इसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ, कितना फॉस्फरस है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, P4O6 के लिए। तो तब भी क्या करना है, सबका बीच में एक एक करके ऑक्सीजन दे दो, एक दो तीन चार, ठीक है, ए हो गया पास और ए हो गया सिक्स, ठीक है। तो यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, हाउ राइट ये क्वेश्चंस, हाउ मेनी लोन पेयर इस देयर, ठीक है, दोनों में कितना लोन पेयर है, देखो हम लोग कलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे, ये है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, फाइव इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें वन
टू थ्री यूज किया, तो इसमें भी वन लोन पेयर है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, सिक्स होता है, मतलब इसे दो यूज किया और भी दो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इसमें भी टू और इसमें भी टू पेयर और इसमें भी एक पेयर। तो नाउ यू कैन काउंट, अभी काउंट करो कितना मिलेगा, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, मतलब पी फोर ओ सिक्स में कितना है, सिक्सटीन लोन पेयर है। ठीक है, तो मेरा भी गलत भी हो सकता है, जस्ट यू ड्रॉ इट एंड ट्राई टू काउंट, और इसका तुम लोग खुद करना पड़ेगा एज ए होमवर्क। लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी लोन पेयर इज देयर इन पी फोर ओ टेन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में ये क्वेश्चन बहुत बार ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, विल से हाउ हैलोजेंस रिएक्ट विथ व्हाइट फॉस्फोरस। ओके, जनरली रिमेम्बर व्हाइट फॉस्फोरस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। ओके, व्हेन react with, when reacts with halogens, ठीक है, halogen के साथ जब react करेगा तो दो type का halides form कर सकता है, what is that type, one is trihalide and another is pentahalide। ठीक है, एक होता है trihalide और एक होगा pentahalide। okay, we'll see how, see when phosphorus react with limited amount of halogens, then it will form PCl3। ठीक है, इसका बैलेंसिंग कर दो, इसमें फोर दे दो, इसमें क्या दो सिक्स दे दो, और व्हेन इट विल सम टाइम इन कंडीशन क्लोरीन ले लो और ये क्या होगा PCl5, तो इसमें चार दे दो और इसमें कितना होगा ट्वेंटी क्लोरीन, तो इसमें टेन दे दो। देखो देखा, फॉस्फोरस कैन फॉर्म, व्हाइट फॉस्फोरस कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, वन इज ट्राई हैलाइड अनदर इज पेंटा हैलाइड व्हेन इट रिएक्ट विथ हैलोजेंस, याद रहेगा। ओके, तो दिस वेयर द रिएक्शन विथ हैलोजन ऑफ फॉस्फोरस। नाउ वील सेक हाउ इट रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। ओके, जैसे वी हैव, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एसिड देखा था, क्या एसिड, HNO3। तो नाउ विल सेक व्हाट विल हैपन व्हेन फास्फोरस विल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो जैसे भी हम लोग को पता है कि HNO3 ओके एंड H2SO4, दीज टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एंड बोथ एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक, तुम इसमें लिख सकते हो रिएक्शन विथ कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री, व्हेन इट विल रिएक्ट विथ कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री इट विल फॉर्म, सी व्हाट विल हैपन, दिस इज पी फोर और इसके साथ हम लोग कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री का रिएक्ट करेंगे। एंड इन लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेनेवर कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री रिएक्ट विथ एनी मेटल एंड नॉन मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों तो फॉर्म होना ही है। ठीक है, और इसके अलावा भी ये क्या फॉर्म करेगा, जो फॉस्फोरस का हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एसिड होगा, ठीक है, और फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला स्टेट एसिड क्या होता है, एच थ्री पी फोर। ठीक है, एच थ्री पी फोर, इसमें तुम चेक कर सकते हो, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस फाइव। ठीक है, व्हाट इज द नेम, दिस इज व्हाट, फास्फोरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जीरो है, यहाँ का कितना हो गया फाइव, मतलब ये पूरा डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो दिस इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। तो क्या लिख सकते हो, व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट विथ इट कन्वर्ट फॉस्फोरस इनटू फॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तुम लोग इसको एज ए
लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है। तो नाउ विल से व्हेन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सपोज दिस इज व्हाट P4, व्हेन इट विल रिएक्ट विथ H2SO4, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या हुआ था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसमें मेन प्रोडक्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड के, और जो फास्फोरस का एसिड दैट विल बी PO3। व्हाट इज द नेम, दिस इज फास्फोरस, फास्फोरस एसिड। व्हाई इट इज फास्फोरस एसिड, बिकॉज हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या पता चल सकता है, जे HNO3 इज मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस दो रिएक्शन में क्या पता चला, व्हेन व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद HNO3 इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, व्हेन इट विल रिएक्ट विद H2SO4 इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर तुम ये दोनों रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यू हैव टू पुट, यहाँ पे पुट कर दो वाटर 4, इसमें दे दो 20 और इसमें दे दो 4, देन विल यू हैव टू पुट 20 हियर, इसमें दे दो 6, इसमें दे दो 6, इसमें दे दो 4, ठीक है, चेक कर लेना। और बैलेंसिंग इतना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम लोगों का मेनली इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट, ओके। मैं फिर से बोल देता हूँ, व्हेन फास्फोरस रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोल चुका हूँ। दोस्त हु हैव नॉट वॉच्ड द लास्ट लेक्चर टिल नाउ, यू जस्ट गो बैक एंड चेक इन माई चैनल, ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, देयर यू विल गेट दिस, ओके। दिस वेयर ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। विल स्टडी अबाउट द रेड फॉस्फोरस, we have already studied what white phosphorus, now it will be about red phosphorus. jitna bhi allotropes hai kya kya tha, white, red and black, isme white kya hai sabse zyada milega, matlab at normal condition, theek hai, and from that white we can convert them into red and ब्लैक अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल से हाउ रेड फॉस्फोरस कैन बी प्रिपेयर, तो मेक हेडलाइन रेड फॉस्फोरस और इसके नीचे लिखो प्रिपरेशन, ओके, हाउ रेड फॉस्फोरस इज प्रिपेयर, वेरी इजी मेथड, यू कैन प्रिपेयर इट लाइक दिस, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग white phosphorus at 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days, ठीक है। मतलब ऐसा एक इनर्ट एटमोसफेयर क्रिएट करना पड़ेगा, और मैंने वो पहले भी बताया डाइनेट्रन लेक्चर में इनर्ट एटमोसफेयर कैसे क्रिएट कर सकता है। देखो नॉर्मली नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, अगर तुम्हें किसी एरिया में इनर्ट एटमोसफेयर क्रिएट करना है देन यू कैन रिलीज नाइट्रोजन गैस देयर इन इंडस्ट्रियल पर्पज, ओके, देन ए इनर एटमोसफेयर विल क्रिएट, मतलब वहां का ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन होगा तो इट विल नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर थिंग, ठीक है। इन दैट कंडीशन अगर हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन टेम्परेचर में सेबारेल डेज कोई दिनों तक हीट करते रहा तो इट विल बी कन्वर्टेड इन टू व्हाट, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस का प्रॉपर्टीज देखना है, इसका प्रॉपर्टीज कैसा है, ठीक है। मैं पहले बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। जब तुमको इसका प्रॉपर्टी, इसका प्रिपरेशन, इसका रिएक्शन आएगा तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैंने क्या बोला था, जो
व्हाइट फॉस्फरस है दैट हैव ए गार्लिक लाइक स्मेल, ठीक है, बट रेड फॉस्फरस इट इज ऑर्डरलेस, इट इज ऑर्डरलेस, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, इट इज नॉन पॉइजनस. और व्हाइट फॉस्फरस कैसा था? दैट वॉज वेरी पॉइजनस, ठीक है. एंड थर्ड वन इज, मैंने क्या बोला था, व्हाइट फॉस्फरस वाटर में इंसोल्युबल होता है, और ये भी वाटर में इंसोल्युबल ही है. लेकिन व्हाइट फॉस्फरस क्या था, कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्युबल होता था, लेकिन दिस इंसोल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है. ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब सोल्युबल नहीं होता है, ठीक है. एंड दिस थ्री वेयर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. दिस थ्री वेयर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ विल सेक इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. तो व्हाट विल बी देयर केमिकल प्रॉपर्टी? तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस वॉज वेरी मच रिएक्टिव. वाई? ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन, मिनिमम एंगल स्ट्रेन, ठीक है. एंगल स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा था, सो इट वॉज वेरी अनस्टेबल एंड वेरी रिएक्टिव. इट इज लेस रिएक्टिव, दिस व्हाट इंडिकेट, इट इज मोर स्टेबल, दिस इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल देन व्हाइट फॉस्फोरस, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है. तो नाउ विल से इट्स सेकेंड प्रॉपर्टी, इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क. मतलब व्हाइट फॉस्फोरस कैमोल्यूमेंस देखा सकता है, लेकिन रेड फॉस्फोरस कैन नॉट शो दैट्स कैमोल्यूमेंस प्रॉपर्टी. और ये जो रेड फॉस्फोरस है, इट डो नॉट रिएक्ट विद बेस, नो रिएक्शन विद बेस, ये बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है. बट व्हेन वी हीटेड हैलोजन विथ दिस रेड फॉस्फोरस, इट विल फॉर्म ट्राइहैलाइड. ट्राइहैलाइड कैसा होता है? सपोज P4Cl2, इट विल ओनली फॉर्म PCl3. लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस क्या क्या फॉर्म कर सकता था? ये PCl5 भी फॉर्म कर सकता था, बट इट विल ओनली फॉर्म PCl3. विल सेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रेड फॉस्फोरस. तो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है. रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो पहले याद रखना है, इट इज पॉलीमरिक, इट इज अ पॉलीमरिक कंपाउंड. हाउ पॉलीमरिक एटम, मतलब एलोट्रॉप्स. हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमरिक? पॉलीमरिक मतलब जो देखो, व्हाइट फॉस्फोरस कैसा था, ऐसा P4, इसमें भी फॉस्फोरस और इसके अंदर में भी क्या था, फॉस्फोरस था. और ऐसा वाला बहुत सारा रिंग विल बी जॉइंट थ्रू ए पॉलीमरिक चेन, ठीक है. तो दिस इज ए, इट इज ए पॉलीमरिक एलोट्रॉप्स, ये एक पॉलीमरिक एलोट्रॉप्स होगा, ओके. देखो उसमें एंगल स्ट्रेन कितना था, उसमें एंगल स्ट्रेन था 160 degree था, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ गया ना, ठीक है. देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन है बहुत ही कम होगा. नॉर्मली ये 120 होता है, ये थोड़ा ओपन हो गया, इसमें प्रेशर थोड़ा कम हो गया, देयरफॉर इट विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है. तो यू कैन राइट, इट इज ए पॉलीमरिक कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक टुगेदर, ठीक है, लिंक टुगेदर. दिस टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल्स आर लिंक टुगेदर थ्रू सम पॉलीमरिक चेन. दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. नाउ विल चेक अबाउट द ब्लैक फॉस्फोरस.
Black phosphorus mainly of two types. It has two types of forms. One is alpha black, another is beta black. ठीक है, एक्चुअली ये दोनों अलग अलग कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेक अबाउट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस. हाउ दिस अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज ऑब्टेन? जनरली इट इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड इन ए सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन. रेड फॉस्फोरस को एक सील्ड ट्यूब में डाल के अगर तुम इसको 803 केल्विन तक हीट करते रहोगे, ओके, देन इट विल गेट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस. ठीक है, बट व्हेन बीटा ब्लैक कब मिलेगा तुम्हें? It is prepared by heating white phosphorus at 473 Kelvin under high pressure. Alpha black was prepared from red phosphorus. But beta black is formed from white phosphorus. And here the temperature was 803 Kelvin. And here temperature is 73 Kelvin. Or a condition may difference hai. There and red phosphorus is kept in a sealed tube. Okay. And there is nothing about pressure. But when you need to prepare beta black, you need to apply a very high pressure. ठीक है, और अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक का एक एक प्रॉपर्टी याद रखना है. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? ये जो अल्फा ब्लैक है, देखो तुम यहाँ पे लिख लो अल्फा ब्लैक. ये जो अल्फा ब्लैक है, इट कैन सबलाइम, आई थिंक यू नो व्हाट इज सबलाइम, इन एयर. मतलब सोलिड से अगर डायरेक्टली तुम एयर में कन्वर्ट करोगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? सब्लिमेशन. दैट मीन यू कैन सब्लाइम इन एयर एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल. आई थिंक you don't know what is monoclinic and rhombohedral. Don't worry, when I will teach you the solid state chapter, then you will be able to know about this monoclinic and rhombohedral crystal. Okay, and one more important point about this alpha black phosphorus is it does not oxidize in एयर. मतलब इसका रिएक्टिविटी एकदम कम है, बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द अदर व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस. अभी वी नीड टू चेक अबाउट व्हाट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. ओके, तो मैंने बोला कैसे इसको प्रिपेयर करता है. वी कैन प्रिपेयर इट बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर में अगर तुम क्या करोगे, व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करोगे, देन यू विल गेट दिस बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 763 केल्विन. मतलब इसका रिएक्टिविटी लीस्ट होता है, वो सबसे कम. मतलब If you heat up to 673 Kelvin, it will not burn. What does this indicate? This indicates iska reactivity sabse kam hai. Okay, so these were all about the allotropes of phosphorus. So hum log ne kya padha? We have studied about the allotropes. Okay, kya allotropes tha? White
रेड एंड ब्लैक, ठीक है। और सबका इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा था, इसका इंटरमीडिएट एंड दिस इज लिस्ट, और इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, दिखा से टेट्राहेड्रल, इसका एंगुलर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा था, देयरफॉर ये हाई प्रेशर में रहता है, सो इट इज़ वेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल मीन्स दिस इज़ वेरी रिएक्टिव। और जो रेड फॉस्फरस होता है, दिस इज़ ए पोलीमरिक चेन ऑफ दिस टाइप ऑफ पी फोर, ठीक है, ऐसा टाइप का पी फोर बहुत सारा एक साथ पोलीमरिक चेन में रहेगा, देन इट विल बी ए रेड फॉस्फरस। और इसमें एंगल स्ट्रेन एज कम्पेयर टू दिस वाइट इज मोर, मतलब लेस, मतलब ये एंगल ज़्यादा होगा, इसमें एंगल 60 था और इसमें एंगल जनरली 120 होता है, ठीक है, देयरफॉर इट विल बी नॉट अंडर हाई प्रेशर एज कम्पेयर टू दिस वाइट फॉस्फरस, सो दिस विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू वाइट फॉस्फरस, ठीक है, ओके। और इसका रिएक्टिविटी भी लेस होगा एज कम्पेयर टू दिस व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस डार्क में भी ग्लो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेंस, बट ये डार्क में ग्लो नहीं कर सकता है। तो योर फर्स्ट होमवर्क इज राइट द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस, व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क, ओके। Here I have some more homework for you. This is what happens when white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide. I have told you in the video lecture. Okay, and this is your next homework. Why does nitrogen show catenation property less than phosphorus? देखो phosphorus P4 होता है और nitrogen N2 होता है. Nitrogen का ये कैटिनेशन मतलब कैटिनेशन की खुद के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली टू बट फॉस्फोरस कैन फॉर्म अप टू फोर, और सल्फर का S8 तक होता है, व्हाई इट इज मोर इन केस ऑफ फॉस्फोरस देन हाइड्रोजन, यही इसका क्वेश्चन है, इसको पूरा ध्यान से सोचना है और लिखना है। एंड दिस इज योर लास्ट होमवर्क, ठीक है, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ाया बट फॉर योर प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस फॉर इन योर एनसीईआरटी बुक। गिव द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3, फॉस्फोरस एसिड का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखना है। आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, एक ही रिएक्शन में सपोज X- और X2- हो गया, मतलब एक बार यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, व्हेन सेम एलिमेंट अंडरगोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द सेम रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो तुम लोगों को H3PO3 का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखना है एंड यू नीड टू सबमिट इट मी बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो दिस वेयर ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो Don't forget to recommend with your friends. Thank you.